दोस्तों साउथ अफ्रीका के खिलाफ टीम इंडिया को मैच जीतने पर मिले पूरे 50 करोड़ रुपए का इनाम, इसके बाद टीम इंडिया काफी ज्यादा खुश हुई। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं इस खबर को विस्तार से तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों कल टीम इंडिया ने अपना साउथ अफ्रीका के खिलाफ थर्ड ओडीआई मैच खेला था। उस मैच में टीम इंडिया ने शानदार जीत हासिल की। उस जीत के साथ टीम इंडिया ने ओडीआई सीरीज भी जीत लिया। थर्ड ओडीआई मैच का टॉस जीता इंडिया ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया। साउथ अफ्रीका की टीम पूरा 50 ओवर भी नहीं खेल पाई। साउथ अफ्रीका की टीम केवल 27 ओवर के अंदर ही ऑल आउट हो गई। 27 ओवर में साउथ अफ्रीका की टीम ने केवल 99 रन ही बनाए। इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने शानदार गेंदबाजी की। शहबाज अहमद और वाशिंगटन सुंदर ने भी 2-2 विकेट हासिल किए। दोस्तों इसके बाद इंडिया की टीम बैटिंग करने आती है और वो इस मैच को 19 ओवर के अंदर ही जीत लेते हैं। आज ओपनर शुभमन गिल ने शानदार 49 रनों की पारी खेली और वहीं श्रेयस अय्यर ने नाबाद 33 रन बनाए, जिसके बाद टीम इंडिया ये मैच काफी आसान से जीत गई। ये मैच जीतने के साथ टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका से अपना ओडीआई सीरीज भी जीत लिया। ये ओडीआई सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया को काफी बड़े बड़े इनाम मिले। उसमें से कुछ इनाम तो करोड़ों रुपए के थे। इस पूरे ओडीआई सीरीज में जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस किया था वो थे श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर को इस सीरीज का मैन ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। इस ओडीआई सीरीज के जीतने के बाद टीम इंडिया को करोड़ों का लाभ हुआ।